चलो तुम बताओ अपने शब्दों में क्या क्या तुमको आराम है। सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई है और खाने पीने में भी सब अच्छा है और चल लेटिंग पहले नहीं चल पाती थी, सांस फूलती थी, सोते में भी तो फूलती थी पहले। हाँ वो भी सब ठीक है। कभी भी चाय तो नहीं थी, दो दो मेरे इलाज जब से शुरू हुआ तब से तो नहीं गई यार हॉस्पिटल, तब से नहीं। हाँ तो एक महीना हो गया ना। मैं जो बहुत बड़ा झंझट था वो रात में 2:30 बजे पूजा हुआ, पूरे घर की नींद खराब। भाई को जगाओ, पापा को जगाओ, फिर जाओ, फिर आओ, नेबुलाइजेशन कराओ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। बच गई है। बचने का की बात है। हाँ ये मदर है। अब कैसी लगती है ये? एक मम्मी से बात हो रही थी, वो कह रहा था किसी तरह खराब बहन की लड़की, अरे चाची तुम वहाँ जाओ। उसने बोले उसी दिन घर आ गए बोला इसके पापा को, भाई साहब अब आप पीछे रुको ना इसको दे। जब पता पड़ी, इससे पहले पता पड़ा थी घर तक। मेरी किस्मत की बात थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। पापा भी बहुत खुश थे, पापा कह रहे पहले इसको देख के पापा रोते थे, कह रहे क्या होगा यार, डर होती जा रही है दिन पे दिन, डर सा लगता है देख के। अब पापा कह रहे थे कि नहीं नहीं है, बहुत मुझे तो बहुत सेटिस्फेक्शन है। खाना भी जो नहीं खाती थी इतना से कपड़ा खाती थी। अब तो अगर अच्छी चलते रह जाती तो दो रोटी खा लेती है और एक डेढ़ तो पास में खाई थी। उसकी इच्छा होती है गाल दो, चावल बना दो तो खाती है, खिचड़ी बना दो तो। अब मन करता है इसका, मतलब बता दिया को ये खाना है। पहले वो इतना सा टुकड़ा जबरदस्ती और डांट के खिला रहा था, तो कहती नहीं खाने की बड़ा ऐसा करके, फिर मैं डांटती हूँ, फिर वो सांसी होती था, फिर मैंने जबरदस्ती खा दिया। कम खाती है, डरती है नहीं, डरते डरते खाएगी बुराई नहीं है, पर खाए तो सब मन क्यों मारे, मेरा समझाना है मन नहीं मारे। ये पहले 29 तारीख का था 10.14, अब 7.38 है, अंतर तो बहुत है। हमें इसके लिए तो ये होगा ना, अब नेक्स्ट, अब हमने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दिया, वीक में एक बोल दिया है मैडम को वहाँ पे, तो अब तो वो पूरे हफ्ते से लास्ट, जैसे हम कराएंगे सैटरडे को, तो सैटरडे से पहले वाली चाहिए होगी। अभी दो चल रही थी तो वही टाइम मिल रहा था हमें, तो दो दिन का ही। अब सही मायने में पता लगेगा कितना सुधार आया। जो पहले वाली थी उसके कंपैरिजन में भी यही है, वो भी इतने अंतराल की थी, उसमें जो 10 पॉइंट आया है वो भी ऐसे करा। अच्छा ये तो है ना, कंपैरिजन में तो अंतर है दोनों का, मतलब कंपैरिजन अगर करें तो दोनों एक सी कंडीशन में हुए टेस्ट। वो भी वीक में दो चल रही थी और जाने से पहले ही कराई थी, ये भी वन डे बिफोर कराई है, तो है तो मतलब दोनों का कंपैरिजन सेम स्केल पे कर रहे हैं हम। वेरी गुड, तब तो सही है फिर। मतलब मेरा मतलब वही था, हमें जबरदस्ती खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें वास्तविकता में खुश होना है, तो वास्तविकता में अब खुश होने वाली बात, अब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ।